Hello guys, welcome to Gamers Theorem. My name is Bhushit and let's start. It's all about tech. Jio users के लिए एक बुरी खबर है। Airtel ने कंप्लेंट फाइल करी है ट्राई से और ये कहा है कि Jio का जो ये नया Happy New Year ऑफर है ये वॉइड करता है प्रमोशनल स्कीम पॉलिसी को। प्रमोशनल स्कीम पॉलिसी के अंडर कोई भी प्रमोशनल स्कीम 90 डे के पीरियड से ज़्यादा नहीं चलाई जा सकती, जबकि जो जियो का ये हैप्पी न्यू ईयर ऑफर है ये अराउंड 180 डेज को पूरा कंप्लीट करेगा 31 मार्च को, तो जो एक पॉलिसी का वायलेशन है। तो जियो ने इस संदर्भ में ट्राई को ये जवाब दिया है कि जो उनका पहला जो स्कीम थी वेलकम स्कीम वो अराउंड 4 GB ऑफ डेटा पर डे देती थी और इसके साथ कोई भी रिचार्ज का ऑप्शन नहीं देती थी। और साथ साथ जो अब जो इनकी नई पॉलिसी आएगी जो हैप्पी न्यू ईयर की जो स्कीम है ये अराउंड 1 GB ऑफ डेटा पर डे देगी और इसके साथ रिचार्ज का ऑप्शन देगी। लेकिन ट्राई ने यह कहा है कि उन्हें अभी भी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है और जियो को उन्होंने 29 दिसंबर तक की डेडलाइन दी है। तो कल हम लोगों को ये पता चलेगा कि क्या जियो न्यू ईयर के बाद कंटिन्यू रहेगा या नहीं। नेक्स्ट मंथ CES 2017 में लेनोवो कुछ अपने बजट फ्रेंडली लैपटॉप इंट्रोड्यूस करने वाला है। इन्हीं में से एक लैपटॉप गाइस थिंकपैड 13 बताया जा रहा है। इसकी स्पेसिफिकेशन जो हमें पता चली है वो कुछ इस तरह से है। इसमें आपको एक इंटेल का एक प्रोसेसर मिलेगा, साथ ही साथ इसमें आपको 4 GB की रैम मिलेगी जो अप टू 32 GB तक आप उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें आपको अराउंड 512 GB का एक M.2 का स्टोरेज डिवाइस मिलेगा। साथ ही साथ इसकी जो स्क्रीन साइज है वो अराउंड 13.3 इंच बताया जा रही है, जो एक फुल HD डिस्प्ले है। इसकी जो थिकनेस है गाइस वो 0.7 LBS है, जो काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी थिन लैपटॉप बताया जा रहा है। इसी के साथ गाइस इसमें आपको अराउंड 3 USB 3.0 के आपको पोर्ट मिलेंगे, एक इसमें आपको टाइप सी का USB पोर्ट मिलेगा, उसी के साथ 4-in-1 आपको मेमोरी कार्ड रीडर मिलेगा, एक अलग से आपको SD कार्ड रीडर मिलेगा, साथ ही साथ इसमें आपको एक HDMI पोर्ट भी मिलेगा गाइस। बस गाइस जिसका प्राइस रेंज बताया जा रहा है वो अराउंड $674 से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट बताई जा रही है। तो देखते हैं गाइस जब ये इंडिया में लॉन्च होता है या जब इंडियन मार्केट में आता है तो इसका प्राइस अराउंड कितना होगा। नेक्स्ट मंथ गाइस सैमसंग अपने A सीरीज के फ़ोन लॉन्च करेगा जिसमें A3 A5 और A7 नाम के फ़ोन लॉन्च होंगे। इसमें हमको A5 की स्पेसिफिकेशन पता चली जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। A5 एक मेटल यूनिबॉडी फ़ोन होगा जो 5.2 की डिस्प्ले सपोर्ट करेगा, जो कि एक सुपर एमोलेड स्क्रीन होगी। इसमें आपको 3 GB ऑफ रैम मिलेगी, साथ ही साथ 32 GB ऑफ इंटरनल स्पेस मिलेगी जो 256 GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हो। इसके अंदर अराउंड 3000 mAh की बैटरी होगी। इसका जो कैमरे की बात करें तो ये 16 MP फ्रंट कैमरा और एक 16 MP बैक कैमरा विद LED फ्लैश के साथ आएगा। ये 1.9 GHz का एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो एक्जियन 7880 के चिपसेट पे चल रहा है। अगर बात की जाए गाइस के प्राइस की तो ये अराउंड 27,000 के प्राइस रेंज के साथ आ रहा है, जो कि काफ़ी महंगा फ़ोन मेरे हिसाब से है। क्योंकि अगर इसी रेंज में अगर आप देखें तो आपको OnePlus 3T, OnePlus 3, Moto Z Play जैसे कई प्रीमियम फ़ोन्स और भी देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आ रहा है सैमसंग इतने कम स्पेसिफिकेशन से इतना महंगा फ़ोन लॉन्च क्यों कर रहा है। अब देखते हैं गाइस जब फ़ोन लॉन्च होगा तो कैसे और हमको चीज़ें पता चलेंगी, तब तक देखते हैं फ़ोन कैसा होता है। जिन लोगों को रेडमी के फ़ोन चलाना पसंद है या जो रेडमी मोबाइल के लवर हैं उनके लिए खुशखबरी है। नेक्स्ट मंथ रेडमी अपने दो नए फ़ोन रेडमी नोट 4 एंड रेडमी नोट 4X को लॉन्च करने वाली है, जिसमें से रेडमी नोट 4 की स्पेसिफिकेशन क्लियर हो गई है, जो कि इस तरह है। उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 653 का चिपसेट मिलेगा, साथ ही साथ 4 GB ऑफ रैम मिलेगी। आपको स्टोरेज के दो वेरियंट मिलेंगे, एक 32 GB एंड एक 64 GB। साथ ही साथ उसमें आपको एंड्रॉयड 6.0 यानी लॉलीपॉप मिलेगा और उसके अंदर आपको MIUI 8.1 तक की अपडेट मिलेगी। इसके साथ की स्क्रीन की बात की जाए तो उसमें आपको 5.5 की फुल HD स्क्रीन मिलेगी। आपको उसमें जो कैमरा है वो बैक कैमरा आपको 13 MP का मिलेगा और जो फ्रंट जो कैमरा है वो आपको अराउंड 5 MP का मिलेगा। बात की जाए बैटरी की तो आपको 4100 mAh की बैटरी मिलेगी। और अभी तक Redmi Note 4X की कुछ ज़्यादा स्पेसिफिकेशन क्लियर नहीं हुई है, तो देखते हैं शायद मेरे हिसाब से वो फ़ोन शायद Redmi Note 4 का कुछ अपडेटेड वर्जन ही होगा। Xiaomi की तरफ से एक खबर और है गाइस कि उसका जो फ्लैगशिप फ़ोन था जो MI6 के नाम से जाना जा रहा था, जो कि रूमर था कि फरवरी में रिलीज होगा, अब उसकी डेट शिफ्ट कर दी गई है अप्रैल तक। इस शिफ्ट का रीज़न गाइस ये है कि जो चिपसेट जो इसके अंदर पड़ने वाला है स्नैपड्रैगन 835 वो अभी भी डेवलपमेंट में है और माना जा रहा है कि उसको डेवलपमेंट पूरा होने में अभी कुछ समय और लगेगा। यही मेन रीज़न है उसके शिफ्ट होने का। अगर बात की जाए रूमर्स की तो ये बताया जा रहा है जो MI6 होगा उसके अंदर MIUI 9 आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ वो 6 GB और रैम अपने अंदर रखेगा। बात की जाए उसके कैमरा की तो ये कहा जा रहा है कि उसके अंदर ड्यूल कैमरा आपको बैक में देखने को मिलेगा।
क्योंकि इसी के साथ अगर उसके OS की बात की जाए तो बोला जा रहा है या तो उसके अंदर नूगट 7 होगा या तो नूगट का अपडेटेड वर्जन नूगट 7.1 देखने को मिलेगा। तो देखते हैं गाइस ये रूमर्स कितनी सही है, लेकिन अगर इस स्पेसिफिकेशन में MI एक अराउंड 20-30,000 रेंज का फ़ोन निकालता है तो ये बहुत ही अच्छा एक फ़ोन है। कुछ दिनों पहले हमने बात की थी कि जो साइनोजन कंपनी जिन्होंने साइनोजन OS बनाया है वो अब बंद हो रही है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि अब से उनके कोई भी नाइटली बिल्ड्स या नाइटली अपडेट्स नहीं आया करेंगे। तो लेकिन अभी अभी एक रिसेंटली खबर हमें पता चली है गाइस कि साइनोजन कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ ने एक नया OS बनाने की ट्राई किया है जो साइनोजन OS पर ही बेस्ड होगा, जिसका नाम उन्होंने रखा है लेगेसी OS। अभी कोई भी बहुत खास खबर नहीं आया उस OS के बारे में, बस ये है कि उन्होंने अपना एक नया ट्विटर हैंडल खोल दिया है जिसके थ्रू वो हमको ये बताते रहेंगे कि जो नया OS लेगेसी OS बन रहा है उसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। अभी आप लोग मान लीजिए कि कुछ समय तक, मान लीजिए 1 ईयर के अराउंड अभी हमको टाइम लगेगा इस नया OS देखने को। जो अगली खबर है गाइस वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक नया अपडेट अपने विंडोज 10 OS के लिए लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने एक ऐसा अपडेट दिया जिसकी हमको सबको ज़रूरत थी। उन्होंने अपडेट जो ऑटोमेटिकली हो जाया करती थी हमारे PC पे हमें बिना बताए, उस पर हमें 35 डेज तक का पॉज का ऑप्शन दे दिया है। गाइस ये मैं कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानूंगा कि 35 डेज का सिर्फ पॉज दिया, उन्हें कंप्लीट पॉज देना ही चाहिए था, क्योंकि जिन लोग के पास नेट इतना अच्छा नहीं होता उनको इस अपडेट करने में बहुत ही दिक्कत होती है, क्या पता वो 1 GB 2 GB कितने GB का अपडेट हो। उन्होंने 35 देके कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने कंप्लीट पॉज का ऑप्शन हमको देना चाहिए था। वैसे जिन लोगों को कंप्यूटर ज़्यादा आता है वो मैनुअली जाके विंडोज़ का अपडेट रोक लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए उन्होंने 35 डे का ऑप्शन देके सही किया, लेकिन मेरे माने तो उन्हें एक कंप्लीट ऑफ का ऑप्शन देना ही चाहिए। कैनन अपने पिक्समा जी सीरीज़ के कुछ नए प्रिंटर जनवरी में लॉन्च करने वाली है। ये 4 वेरिएंट में आएंगे गाइस। इनका मॉडल नंबर G1200, G2200, G3200 और G4200 बताया जा रहा है। इन चारों प्रिंटर की जो खासियत है गाइस वो ये है कि इनके अंदर इन बिल्ट टैंक स्टोरेज प्रोवाइड है, मतलब आपको अलग से कार्टिजेस की बॉटल को प्रिंटर से लिंक नहीं करना पड़ेगा। इनमें इन बिल्ट स्टोरेज है कार्टिजेस की, आपको बस कार्टिज का इंक उनमें पोर करना होगा और ये काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। गाइस जो इन प्रिंटरों की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बताई जा रही है काफ़ी अच्छी है, लेकिन बस इन प्रिंटरों का एक डाउन पॉइंट देखा जा रहा है कि ये बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी होने के साथ साथ एक हेफ्टी प्राइस टैग के साथ भी आ रहे हैं। जो चारों मॉडल है इनकी जो स्टार्टिंग प्राइस बताई जा रही है वो अराउंड $250 से स्टार्ट होगी, और जो सबसे महंगा वेरियंट है वो अराउंड $400 तक जाएगा। अगर इनके प्राइस के अलावा और चीज़ों की बात की जाए तो बताया जा रहा है ये प्रिंटिंग के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, और साथ साथ इनका जो पेज पर काउंट बताया जा रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है। बोला जा रहा है जो इनकी जो ब्लैक कार्टिजेज है जो उसमें जो बताया जा रहा है वो अराउंड 135 ml का होगा उसका स्टोरेज, और जो बाकी कलर वाले वेरियंट बताए जा रहे हैं वो अराउंड 70 ml का उनका कैपेसिटी होगी। उनके अंदर जो ब्लैक कार्टिजेज है वो अराउंड आपको $18 की मिलेगी, और जो कलर कार्टिजेज है वो अराउंड $12 की मिलेगी। तो अगर यहाँ हम देखें तो ये इनके प्रिंटर के साथ साथ इनका कार्टेज का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है, $20 और $12 काफ़ी महंगा प्राइस है एक हमको कार्टेज देने के लिए। लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि उसका जो ब्लैक कार्टेज है वो अराउंड 6000 पेज अकेले प्रिंट कर सकता है। अगर हम कलर को कंबाइन करते हैं सारों को तो ये अराउंड हमको 7000 प्रिंट पेजेस का हमको अराउंड अप्रोक्सीमेशन दे सकता है। तो अगर इस पॉइंट को भी हम अगर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमको प्रिंट पेजेस मिल रहा है इन प्रिंटर्स पे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो अगर हम इसे ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग करते हैं तो हमको अराउंड 9 इमेजेस पर मिनट का हमको ये टाइम देगा, 9 इमेजेस प्रिंट करने में 1 मिनट लेगा, और अगर हम कलर की बात करें तो अराउंड 5 इमेजेस पर मिनट ये प्रिंट कर सकता है। जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है इस प्रिंटर का वो बताया जा रहा है गाइज अराउंड 4800x1800 के करीब। तो देखते हैं गाइज ये प्रिंटर कैसा होता है, बस अगर इसका प्राइस थोड़ा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कम रखा जाता तो ज़रूर ये एक बहुत ही अच्छी परचेज़ होती।